सब्सक्राइब कीजिए एस्केपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया ट्यूटोरियल एक नया टॉपिक लेकर के। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग सब ने की है, मैंने की है, आपने की है और सभी लोगों ने भी की है। लेकिन दोस्तों अक्सर क्या होता है कि काफ़ी सारी पेमेंट में प्रॉब्लम भी आती रहती हैं, जिसका मैंने सॉल्यूशन का वीडियो निकाला हुआ है। लेकिन दोस्तों आज इसी वीडियो में ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेस्ट न्यूज़ लेकर के आया हूँ। और हालांकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको शायद आपने सुन रखा हो, नहीं सुना है तो इसमें तो ज़रूर ही जान लेंगे। दोस्तों अमेज़ॉन पे लेटर, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा पर यूज़ शायद ही किए होंगे। कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट पे लेटर चला था, ठीक है, लेकिन वो शायद अभी बंद कर दिया गया। लेकिन अब वही सेम सिस्टम अमेज़ॉन लेकर गया है। दोस्तों अमेज़ॉन पे लेटर सिस्टम क्या है, आज इसी के बारे में हम जानेंगे और आपको अमेज़ॉन पे लेटर सिस्टम कैसे मिल सकता है, कैसे आप उसका लाभ उठा सकते हैं, वो भी इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों इससे पहले कि हम ज़्यादा आगे बढ़ें, उस वीडियो पर एक बार फिंगरप्रिंट दबा के लाइक दे दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे टेक्निकल और यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे व्हाट इज़ अमेज़ॉन पे लेटर। दोस्तों अमेज़ॉन पे लेटर वह फैसिलिटी है जो अमेज़ॉन अक्सर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। हालांकि अमेज़ॉन ने अभी इसको सबको नहीं दिया है क्योंकि यह अभी उसने हाल ही में लॉन्च किया है और यह किस किस को देगा इस चीज़ को भी उसने अभी क्लियर नहीं किया है। दोस्तों अमेज़ॉन पे लेटर एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए अमेज़ॉन आपको कुछ क्रेडिट देता है, जैसे मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000, at least 50,000 तक वो आपको देता है। अब वो जितना भी है, मतलब आपको पे लेटर सिस्टम के तहत आपको जिसने उसने मतलब दिया है क्रेडिट, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात मैं थोड़ा क्लियर करूँगा। मान लीजिए उसने आपको मतलब 10,000 तक का क्रेडिट दे रखा है, तो जब भी आप कोई सामान 10,000 तक बाई करेंगे तो आप अमेज़ॉन पे लेटर के तहत पे कर सकते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद अमेज़ॉन पे लेटर में जो अकाउंट आपकी मतलब लिंक किए रहेंगे उसी अकाउंट में अमेज़ॉन पे लेटर मतलब आपको एक महीने के लिए टाइम देगा कि आप एक महीने के दरमियान वो पैसा इंस्टॉलमेंट उनको दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बाई किया, एक मोबाइल फ़ोन बाई किया 10,000 में, ठीक है, और आपको 10,000 का जो है अमेज़ॉन ने क्रेडिट दे रखा था, आपने उसको ले लिया। उसके बाद अमेज़ॉन आपको टाइम देगा कि आपको एक महीने, दो महीने, चार महीने, छः महीने, अभी उसका टाइम क्लियर नहीं किया है क्योंकि जो जिसको जितना वो क्रेडिट दे रहा है उसी के अनुसार उसकी लिमिट भी फिक्स कर रहा है कि अगर आप कोई सामान इतने का बाई करते हैं तो आपको इतने दिन के दरमियान इसको चुकाना है। तो एक प्रकार से कहें दोस्तों तो अमेज़ॉन आपकी मदद कर रहा है। मान लीजिए आपको कैश ऑन डिलीवरी वगैरह नहीं मिल पा रही है तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे लेटर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और वहाँ पर करने के बाद आपको आपका प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा। बाद में जब मान लीजिए उसका इंस्टॉलमेंट चुकाने का वक्त आएगा तो अमेज़ॉन का जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है, और आपको बताएगा कि आपका इतना इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो आप उसको चाहे तो आपके घर पे आएगा, कैश दे सकते हैं, उसे चुका देंगे, ठीक है, अगर चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो है ना कितना बढ़िया फैसिलिटी। फ्रेंड्स सबसे पहले मेन बात अगर करें हम तो ये सबसे पहले इस काम में आता है। मान लीजिए दोस्तों आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ी या आप मतलब कोई सामान परचेस करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपको तुरंत में आपके पास बजट नहीं है, तो अमेज़ॉन पे लेटर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे दोस्तों, मान लीजिए आप कोई आपको अमेज़ॉन ने 10,000 का क्रेडिट दे रखा है अमेज़ॉन पे लेटर का, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपको 10,000 का कोई फ़ोन या कोई भी सामान अर्जेंटली परचेस करना है लेकिन आपके पास तुरंत में नहीं है, तो आप अमेज़ॉन पे लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप परचेस कर लेंगे, प्रोडक्ट आपको भी मिल जाएगा उसके थ्रू, लेकिन आपको एक महीने, दो महीने, तीन महीने का टाइम भी मिलेगा, उसके दरमियान आप बाकी का पैसा उनको चुकाते रहिए। तो दोस्तों है ना एक अभी कमाल की बात। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि उसमें हम ज्वाइन कैसे होंगे। सो फ्रेंड्स उसमें ज्वाइन करने की टर्म्स कंडीशंस है, ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। अमेज़ॉन सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को देता है जिन पर उसको ट्रस्ट होता है। अब बात करें ट्रस्ट कैसे, वो कैसे पहचानता है। सो फ्रेंड्स देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, अमेज़ॉन का अकाउंट बनाते हैं, उसमें ऑर्डर भी करते हैं लेकिन लेते नहीं हैं, पर शिपिंग होकर उनके पास आता है, वो ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं या बहुत सारा ऑर्डर कैंसिल होते हैं, तो ये सब इनवैलिड बिहेवियर में जाता है। ऐसे में तो आपको वो कभी नहीं देगा। सो फ्रेंड्स पे लेटर सिस्टम किसको मिलता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अमेज़ॉन पे लेटर सिस्टम सिर्फ उसको मिलता है दोस्तों, जैसे कि जो लोग ऑर्डर मतलब कर रहे हैं, वो कैंसिल तो हर कोई करता है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन
ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब जो है ऑर्डर रिसीव किया हो 75% कम से कम रिसीव किया हो। अगर 10 प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो 7 ऑर्डर तो ले ही, कम से कम 3 भले कैंसिल मार दें। इसके बाद दोस्तों उसमें से कम कुछ ऐसे ऑर्डर भी हों जिनका ऑनलाइन पेमेंट किया गया हो, ठीक है। और अपना कार्ड वैलेट और बैंक अकाउंट उसमें ज़रूर ऐड करके रखिए आप लोग। तो इससे क्या है कि उसका जो ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो अपने आप आपको एक ईमेल दे करके नोटिफाई कर देगा कि आप अमेज़ॉन पेलेटर के लिए एलिजिबल हैं, आप उसको प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अभी भी अगर आप चाहें, अगर आपको ऐसा किसी प्रकार का मेल नहीं मिला है तो आप सबसे पहले अमेज़ॉन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसे ओपन कीजिए और वहाँ पे साइन इन या अकाउंट नहीं बनाए तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, इसके बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे। इसके बाद नीचे आपको अमेज़ॉन पे का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप कि आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अमेज़ॉन पे लेटर सिस्टम। उसके बाद उसको ओपन करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको आपका मतलब दिखेगा पे लेटर सिस्टम साइन इन करने के लिए। तो वहाँ पर आपको अपनी एक आईडी देना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन चारों में से कोई एक दे सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, उसको देने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, सबमिट पे कर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपके प्रोसेसिंग करेगा, साथ में वो मतलब वैलिडेट भी करेगा कि आपको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए। तो आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग वो मतलब देखेगा कि इनको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आपको 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 एटलीस्ट 50,000 तक का क्रेडिट दे सकता है। उतने तक की आप शॉपिंग करके कर सकते हैं ऑन द स्पॉट और पैसा बाद में चुका दे रही है, तो है ना कमाल की बात दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि अमेज़ॉन पे लेटर के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों बात करूँ, मैं भी इतना सारा शॉपिंग करता रहता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने रिसीव किए हैं, लेकिन मुझे भी अमेज़ॉन पे लेटर सिस्टम नहीं मिला है। मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने कहा सर कि आपका अकाउंट भी मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, 10-15 दिन ही हुआ क्रिएट किए, लेकिन आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट मंगवा लिए हैं एक साथ और उनका रिसीव भी किया है, लेकिन आपको बहुत जल्द मतलब एक महीने के दरमियान आपको प्रोडक्ट उपलब्ध होने की संभावना है। या कब आपके अकाउंट में आ जाएगा इसका कोई से मतलब जो है टाइम लिमिट पीरियड नहीं है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, है ना कमाल की बात। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि प्रोडक्ट अगर लें तो उसे कैंसिल जानबूझ के भी ना करें, करना है तो कोई ठोस रीज़न, ठीक है, सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए एड्रेस गलत कर दिया है, या आप जिस एड्रेस पर मंगवा रहे हैं वहाँ से आप ऑर्डर रिसीव होने के पहले ही चले जाएंगे, ठीक है, या मतलब कोई और ठोस रीज़न, ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ लोग क्या करते हैं बहुत ही अजीबोगरीब मतलब सेलेक्ट करते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेंगे बाद में उसमें लिख देंगे कि नहीं चाहिए, अनवांटेड, ठीक है। तो ऐसे मतलब नहीं कर सकते, ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पार्सल शिपिंग होके आता है तो दिक्कत होती है। सो फ्रेंड्स, अब जैसे ही मुझे मिलेगा मैं इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग इसमें साइन इन कैसे कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों साइन इन करने के बाद उसका मज़ा कैसे उठा सकते हैं बिना पैसे के। अगर इसको कहें तो एक प्रकार से वो आपको लोन दे रहा है, आपके ऊपर विश्वास कर रहा है अमेज़न, तो आपको भी उसके विश्वास के लायक बनना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, ताकि इसी टेक्निकल और यूज़फुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। लास्ट में दोस्तों एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग यूपी के होंगे, बहुत सारे लोग कहीं कहीं के होंगे। यूपी में आजकल एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसको लेकर के पूरा देश शर्मिंदा है। मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ 2 मिनट का मौन रखिए उसके लिए, और दोस्तों हमेशा ज़िंदगी में यही कोशिश करिए कि ये चीज़ कभी आगे किसी के साथ ना होने पाए। वो मेरी भी बहन हो सकती थी, आपकी भी हो सकती थी, किसी की भी हो सकती थी। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलूंगा किसी और टेक्निकल का वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।